नमस्कार दोस्तों, तो हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन, और 2D एनिमेशन हम आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे इस कैरेक्टर को हमने कैसे इलस्ट्रेटर से यहाँ पे इंपोर्ट किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कोई भी जो कैरेक्टर होते हैं उसको एनिमेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक कोर्स दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने यूडीमी पे लगा रखा हूं, जहां पे कि आप इलस्ट्रेटर का फुल कोर्स देख सकते हैं जो कि बिगनर से एक्सपर्ट लेवल पे, जिसको कि आप जीरो नॉलेज है एक्सपर्ट बन सकते हैं इलस्ट्रेटर में, जिसका कि कॉस्ट आप देख सकते हैं ये 449 आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक डे के लिए है। लेकिन इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर कि ये कॉस्ट जो है 399 का आपको पड़ेगा अभी अगर लेते हैं तो। इसी टाइप से जो है यहाँ पे एनिमेट सीसी का भी आपको कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल ही डिटेल से। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो हर सेक्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इसी टाइप से जो है यहाँ पे देखिए विजुअल इफेक्ट का भी जो है कोर्स बना हुआ है, और हमने कार्टून एनिमेटर 4 का भी कोर्स बना रखा हूँ। और अभी ये जो कोर्स अगर इनरोल करते हैं तो आपको 399 रुपये में मिलेगा, और ये जो चारों कोर्स है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चारों का जो कूपन कोड है वहाँ पे दिया हुआ है, या ऊपर आई बटन आ रहा है हर कोर्स का अलग अलग, वहाँ पे भी जाके आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टर है, हमने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे कि इसको हमने कैसे यहाँ पर इम्पोर्ट किए थे। तो चलिए हम देखते हैं कि एनिमेशन के लिए जो है इसको प्रिपेयर किस टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में जाऊंगा। फ्रंट व्यू में जाने के बाद अभी देखिए कोई भी कैरेक्टर जो है रेंडमली देखिए, जैसे हेयर का इसका अगर आप देखिए एंकर पॉइंट जिसको बोलते हो, जहाँ से ये जो है एनिमेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कोई भी जब एनिमेशन करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं एक बॉक्स लेता हूँ, ये हमारे पास बॉक्स है, और इसको मैं F8 करके सिम्बॉल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक एंकर पॉइंट आपको दिख रहा होगा राउंड करके, इस राउंड के अकॉर्डिंग ही एनिमेशन होता है। जैसे मान लीजिए इसको एंकर पॉइंट को अगर यहाँ से देखिए क्यू प्रेस करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है, और इसको आप इस तरफ से मूव करा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। और अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो इसका जो रोटेशन होगा देखिए कुछ इस एंकर के अकॉर्डिंग ही ये रोटेशन होगा, और अगर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ तो ये देखिए कुछ इस टाइप से रोटेशन होगा इसके अकॉर्डिंग, और इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग ही कोई भी एनिमेशन होगा। तो इसी टाइप से हम इसको क्या करेंगे, इस सभी को इसको मैं यहाँ से अंदर जाते हैं, और इसको पहले हम हमको सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए ये जो है यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको जो है यहाँ से क्या करता हूँ, इसके जो हेयर है हेयर को मैंने अलग करूँगा, और देखिए यहाँ से बाल का कलर अलग आ रहा है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके जो कलर हैं इसको मैं डार्क करूंगा यहाँ से, अभी देखिए सही हो गया। और इसी टाइप से हम क्या करेंगे, ये जो हेयर है इसको भी मैं अलग करूंगा, यहाँ से कट करता हूँ, कट करने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एफ़ प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं, तो ये सही से नहीं पेस्ट हुआ तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ नॉर्मली, और इसको मैं यहाँ पे आ गया है, और इसको मैं F8 करके सिंबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अब हमें जो क्या करना है, पहले जो ये पार्ट है हेड का, हेड के पार्ट को हम अंदर करेंगे, इसको मैं यहाँ से रख लेता हूँ, और ये यहाँ पे है, और ये पीछे का हेयर है, और इस हेयर के मैं क्या करूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जो बैक इसमें है तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस टाइप से। अभी क्या हुआ ये देख सकते हैं, ये डिलीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो है लाइन सेलेक्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से डिलीट क्या करूँगा, यहाँ पे फील को डिलीट करूँगा, तो मैं इसको अब सेलेक्ट करते हैं, देखिए अब डिलीट हो जाएगा यहाँ से कुछ इस टाइप से, डिलीट कर दिए हम इसको, वापस जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके जो एंकर पॉइंट है उसको हम सेट कर देते हैं। तो ये जो हमारा हेड है, ये हेड हमारा जो है यहाँ से एनिमेशन होना चाहिए कुछ इस टाइप से, देखिए कुछ जो है एनिमेशन होगा तो कुछ इस टाइप से एनिमेशन होगा, और ये जो है ये हेयर जो है हमारा हेयर यहाँ से एनिमेशन होना चाहिए, तो इसको मैं
यहाँ पे कर देता हूँ, और ये जो पीछे का हेयर है वो भी जो है इसके साथ एनिमेशन होना चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये तीनों जो है हमारा एनिमेशन होना चाहिए। अब मैं इस तीनों को क्या करूँगा, इसके साथ में मिला देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, पहले इसको राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने से क्या हुआ, ये सभी जो है अलग अलग लेयर पे आ गया। अगर देखते हैं तो देखिए पूरा का पूरा अलग लेयर पे आ गया। तो इसको मैं साइड कर लेता हूँ जो कि हमारा सही से दिखाई दे। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये सभी लेयर हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये हेड जो हेड है ये, इसका नाम भी आप अगर दे देते हैं तो अच्छा लगेगा। जैसे हेड कर देता हूँ इसका नाम, और इसको मैं रखूँगा सबसे ऊपर। और उसके बाद जो है ये हेयर है, यहाँ से हेयर हो गया, ये हेयर जो है इसके साथ में अटैच होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से शो करूँगा पेरेंटिंग को, और पेरेंटिंग को हेयर को मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा। देखिए ये जो है इसके साथ अटैच हो गया। अगर ये हेड जो है अगर इधर करते हैं, देखिए हेयर भी आपको इधर जाता है। इसी टाइप से बैक हेयर जो है, बैक हेयर इसको मैं कर देता हूँ बैक हेयर, बैक हेयर कर दिया इसको। और ये जो पेरेंटिंग होगा ये इसके साथ में होगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ से लाइन जुड़ गया, मतलब ये अगर मूव होगा अलग अलग और इस हेड को मूव करेंगे तो ये भी मूव होगा। बस हमको पेरेंटिंग इतना ही करना था, बाकी सबको हम नॉर्मल रखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बॉडी है, बॉडी को मैं यहाँ से एनिमेशन में चाहता हूँ कि चाहे मैं इसको मैं कमर के साथ रखता हूँ, जैसे इस टाइप से रोटेट हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंटर है इसका पॉइंटर, जैसे हेड हो गया, ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड टॉप, लेफ्ट हैंड टॉप हो गया। तो इसको मैं करूँगा यहाँ पर, इस टाइप से एनिमेशन होना चाहिए जब भी कोई एनिमेशन हो। तो इसी टाइप से ये जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और टी को हम एम कर देंगे, मतलब मिडिल हैंड। और ये जो एनिमेशन होगा कुछ यहाँ से एनिमेशन होगा, देखिए कुछ इस टाइप से। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लाइन को ऑन करते हैं, और जो कि हमको अच्छा लगे से पता लगेगा कहाँ पर हम पॉइंटर को सेट करते हैं। इसको इस सेंटर में पॉइंट को लगा दिए, और इसी टाइप से ये जो है इसको भी हम पेस्ट करते हैं, और इसको मैं करता हूँ बॉटम, बॉटम हैंड, और इसको मैं रखूँगा पॉइंटर को यहाँ पर इसके सर्कल में। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा है सही से यहाँ से एनिमेशन होगा, ये जो है यहाँ से, और ये जो है यहाँ से, इस टाइप से इसमें हमने लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हाथ हम पीछे के रखेंगे तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से लेफ्ट के बदले मैं इसको करूँगा राइट, राइट हैंड टॉप। और इसका जो हम पॉइंटर रखेंगे यहाँ पे, जो एंकर पॉइंट है मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रख दिया। और ये जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ राइट हैंड को, इसको राइट हैंड मिडिल करता हूँ, इसका जो एंकर पॉइंट है इसको रखूँगा यहाँ पर। और इसी टाइप से इसका जो एंकर पॉइंट होगा, अभी ये मिडिल हाथ हो गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और ये जो है हाथ बॉटम हो जाएगा, बॉटम। और इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, और इसका जो एंकर पॉइंट होगा इसके बीच में हम रख देते हैं, और इसको मैं फिर से ऑफ कर देता हूँ। और इसी टाइप से जो है ये बॉडी का हमारा और हाथ का हो गया, और लेग का भी हमको सेट करना है। हम क्या करेंगे, इसको देखिए लेग है ये लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट लेग टॉप, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं पॉइंट आउटलाइन सेट करता हूँ, और इसको मैं टॉप वाला है इसको मैं रखूँगा ऊपर,
और इसी टाइप से ये जो है मिडिल होगा, मिडिल इसका पॉइंटर हम रखेंगे यहाँ पर, और ये जो है इसके साथ में हम इसको भी रखते हैं यहाँ पर, और ये जो है बॉटम होगा और इसका पॉइंटर हम रखेंगे अभी यहाँ पे है तो इसको पॉइंटर हम यहाँ पे रखेंगे, और इस लेयर को मैं रख देता हूँ यहाँ पर। इस टाइप से ये जो है पैर का भी हमारा हो गया है। अब इसको सेट करेंगे, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे राइट करता हूँ। और इसी टाइप से इसको जो है कॉपी करते हैं और इसको मैं मिडिल करूँगा और इस वाले को मैं बॉटम कर दूंगा, और इस हेयर को मैं बॉडी के नीचे रखा हूँ। ये जो हमारा है बॉडी होगा, बॉडी और हेयर को मैं बॉडी के नीचे रखता हूँ। इस टाइप से हमारा ये हो गया, और इसका सेटिंग करना पड़ेगा पॉइंटर को। इस पर क्लिक करते हैं, इसका पॉइंटर यहाँ पर और इसका पॉइंटर यहाँ पर। अब हम इसको जो है पूरा नेमिंग भी कर दिए और इसका जो है पॉइंटर भी सेट कर दिए। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को अब बाहर आते हैं, बिल्कुल बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद मैं इसको रखूँगा यहाँ पर, जो कि देखिए कुछ इस टाइप से करना पड़ेगा तो हमको यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इसको भी सेट करूँगा बैक को, तो इसका पॉइंटर मैं रखता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, लेयर डिस्ट्रीब्यूट, राइट बटन क्लिक करते हैं, ये हमारा पूरा अलग हो गया। अब देखिए ये बॉडी का पार्ट हमारा जो है इतना ही है, तो मैं इसको रखता हूँ हेड, HEAD हेड, क्योंकि ये हेड है, और ये जो है ये बॉडी है, इसको करेंगे बॉडी। और ये जो हेड है ये एनिमेशन होगा यहाँ के द्वारा, जैसे मान लो कुछ इस टाइप से हम इसका हिलाना हो तो कर सकते हैं। और ये जो बॉडी सा हुआ है, बॉडी मैं यहाँ पे रखता हूँ, और इसका भी हाथ देखिए तीन हाथ है, तो मैं इसको जो है राइट हैंड, राइट हैंड टॉप, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं राइट हैंड मिडिल, और इस हाथ को राइट हैंड बॉटम। इसी टाइप से इधर भी ये जो है लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड टॉप, इसको कॉपी करते हैं, लेफ्ट हैंड बॉटम मिडिल और लेफ्ट हैंड बॉटम। इसी टाइप से हम इसको करेंगे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग टॉप, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग बॉटम मिडिल और लेफ्ट लेग बॉटम। तो इस टाइप से हो गया, इसको तीनों को हमको एक से तरह रखना है यहाँ पर। अब हमारे पास ये तीन बच गया है, ये हो जाएगा राइट, राइट लेग ये होना चाहिए, स्पेलिंग गलत है, लेग टॉप, ये मिडिल, लेफ्ट लेग मिडिल और ये लेफ्ट लेग बॉटम। अब इसको मैं सही से अरेंज कर लेता हूँ, जैसे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से। और इसका स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, कि मैं इसको जी कर देता हूँ,
इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। अभी हमने सबको नेमिंग कर दिए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं आउटलाइन में जाता हूँ और इसके सही से सेट करेंगे। ये जो हाथ है इसको मैं यहाँ से एनिमेशन होना चाहिए, ये जो है ये यहाँ से, ये एनिमेशन यहाँ से होना चाहिए। इसी टाइप से इस तरफ भी हाथ को हम एनिमेशन यहाँ से करेंगे, सेंटर वाले को यहाँ से सर्कल के अंदर, क्योंकि मैंने इलस्ट्रेटर में ऑलरेडी इसको मैंने बताया था कैसे सेटिंग करते हैं। और इसको मैं यहाँ पर, इसी टाइप से पैर को भी हम यहाँ पर रखते हैं, इस पैर को यहाँ से एनिमेशन होना चाहिए। और ये जो है इस टाइप से, और ये पैर का मैं यहाँ पर रखता हूँ और इस पैर का यहाँ पर। अब मैं इसको आउटलाइन से वापस आते हैं, तो इस टाइप से हमारा जो है एनिमेशन के लिए बिल्कुल, ये दोनों जो कैरेक्टर है फ्रंट बैक, एक ही कैरेक्टर है फ्रंट बैक जो है, एनिमेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। क्योंकि आप जब भी कोई एनिमेशन करेंगे तो आप देखिए किस चीज़ का एनिमेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों कोई भी जो कैरेक्टर हम बनाते हैं उसको जो है एनिमेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका कुछ एनिमेशन करा के कि किस टाइप से एनिमेशन होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।